जैसा मैं आगे बढ़ता हूँ, शुरुआत में आपने एक जगह ये जिक्र किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बगैर पढ़े लिखे थे, ये एक मौजज़े की मिसाल है बहुत बड़ी। तो क्या कुरान और हदीस में कहीं पर इसका सराहतन जिक्र है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर पढ़े लिखे थे? कुरान में क्लियरली मैंशन है, सूरह अंकबूत की आयत है, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48, अल्लाह ताला ने बताया कि आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ सकते थे, वला तखुत्तुहु बि यमीनिक, ना अपने कुछ सीधे हाथ से कुछ लिख सकते थे, इज़न अगर ऐसा होता, लरताबल मुब्तिलून, तो जो इनकार करने वाले हैं उनके पास शक करने की कुछ बुनियाद बचती। जैसे इमेजिन करिए कि कोई ऐसा राइटर है, कोई ऐसा ऑथर है जिसने कई सारी बेस्ट सेलर्स लिखी है, अब लेटेस्ट उसकी किताब आ रही है और वो किताब उसकी खुद की लिखी नहीं है, वो ऊपर वाले ने उसके पास भेजी है, तो लोग शक कर सकते थे कि इन्होंने पिछली तो इतनी किताबें लिखी हैं, ये भी लिखी होगी, अब ये भी लिख ली। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिकनेस ये है और हिस्टोरिकल दलायल इस बारे में मौजूद है, हम देख सकते हैं कि सीरत की किताबों में ये वेल नोन है और अरब्स में ये बात कॉमन थी उस जमाने में कि लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चुना, इमेजिन करिए कि पहली आयत जो कुरान की रिवील हो रही है वो है इकरा, पढ़ो, लेकिन जिस नबी को अल्लाह ने चुना उन्हें पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता था। ये क्यों? ये इसलिए ताकि कुरान के ऊपर लोग शक नहीं करें, इसीलिए अल्लाह ने इंसानों में से एक ऐसे इंसान को चुना जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब सारे वो रास्ते कि जैसे कोई कहे कि पिछले फिलोसोफर्स एरिस्टोटल वगैरह के वर्क से इंस्पिरेशन है या पिछली कोई दीनी मजहबी किताब से इंस्पिरेशन है, तो इसकी कोई दलील नहीं बचती। कुरान में मजीद अल्लाह ताला ने उम्मी कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है, सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 158, और हम ये नहीं कहेंगे कि उम्मी का मतलब है अनएजुकेटेड, हम ये कहेंगे अनलेटर्ड, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि उनका एजुकेशन तो खुद अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने खुद उन्हें सिखाया, एजुकेशन और उसमें फर्क है जी। तो हम ये देखते हैं कि ये कुरान की प्रिजर्वेशन के ताल्लुक से और कुरान के ऊपर ताकि लोग शक ना करें एक बहुत बड़ी दलील है कि जो इंसान हिस्टोरिकली नोन थे कि उन्हें नहीं आता था, और यही बहुत बड़े ताज्जुब की बात थी लोगों के लिए कि कैसे इस तरह की किताब इन पर नाजिल हो रही है, और वो जमाने के लोगों के लिए बहुत वाजे बात थी कि दिस इज नॉट नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं जी। जैसा ये एक बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि कुरान एक मौजज़ा है।